हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नया Q&A वीडियो में। तो ये है आस्क पीसी एपिसोड 32 और नहीं ये कोई हेटर्स एडिशन नहीं है, बल्कि इस वीडियो में मैं आप सभी के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं, जो भी आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर पूछे हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछे हैं, वही क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं और आप लोगों को उनका आंसर देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है संदीप सिंह ने, भाई आप वीडियो में लेफ्ट की तरफ ऊपर बहुत देखते हो, तो भाई इस तरीके से या इस तरीके से? हाँ तो जो भी लेफ्ट है शायद यहाँ। तो यार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट छुपाई हुई है, प्रॉम्प्टर छुपा हुआ है या फिर यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरे को बोलते बोलते आदत है, जैसे मैं सामने देख रहा हूँ लेंस की तरफ, तो अगर मैं ऐसे ही देखता रहूँगा तो थोड़ा वीडियो बोरिंग हो जाएगा, तो इसलिए मैं इधर उधर एक्शन करता रहता हूँ। तो यार ये आदत में आ गया है, बट अब कोशिश करूंगा कि आप लोगों से डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट मिला पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हरेंद्र सिकरवाल ने, भाई आपका स्पॉन्सर बटन क्यों नहीं दिख रहा आप पे का? तो क्वेश्चन पिक कर लिया भाई हरेंद्र, स्पॉन्सर बटन मेरे को यूट्यूब की तरफ से मिल गया है, बस मैंने उसे अनेबल नहीं किया है और इस वीडियो के बाद मैं शायद उसे अनेबल कर दूं। बट यार आप लोगों से मुझे एक चीज़ पूछनी है, अगर क्या मैं स्पॉन्सर बटन अनेबल करूं तो क्या आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे स्पॉन्सर करके? वैसे ज़रूरी नहीं है, आप लोगों को वीडियोस डेली मिलती रहेंगी, पूरी मेहनत मैं अपनी कर ही रहा हूँ, स्पॉन्सर बटन से ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होने वाला। बट स्टिल अगर स्पॉन्सर आप लोग करेंगे तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 159 रुपीज़ कम नहीं होते एज अ स्टूडेंट। अगर आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो तो 159 रुपीज़ कम नहीं होते पर मंथ। बट वहाँ आपको एडवांटेजेस ये मिलेंगे कि आप मेरी वीडियो पे कुछ भी कमेंट करेंगे तो आप लोगों को एक स्पेशल बैच मिल जाएगा, एक स्पेशल पर्क मिल जाएगा, किसी भी और पर्सन को पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा मेरे चैनल का स्पॉन्सर है, इसने मुझे स्पॉन्सर कर रखा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स तो आप लोग मुझे स्पॉन्सर कर सकते हो। और सभी स्पॉन्सर्स के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक लाइव स्ट्रीम रखा करूँ, जिसमें मैं जितना भी कुछ पीछे करता हूँ कैमरा के वो सब बातें करा करूँ, और जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है, चाहे वो स्कूल से 12th ख़त्म हो गई, मार्क्स भी आ गए, लौंडा पास हो गया, तो जो भी कुछ चल रहा है सब कुछ पीछे वो मैं आप लोगों को बता पाऊँ। तो अगर उस टाइप की लाइव स्ट्रीम आप देखना चाहते हैं स्पेशली सिर्फ स्पॉन्सर्ड लोगों के लिए, तो आप लोग मुझे स्पॉन्सर कर सकते हो और वो मेरे लिए बहुत मायने रखेगा सच में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यतीन भरद्वाज का, भाई कौन सी क्रीम लगाते हो जिससे इतने गोरे दिखते हो? भाई कहाँ गोरा दिखता हूँ, ऐसे ही हूँ नेचुरली। और मैं गर्मियों में तो मोस्टली क्रीम्स नहीं लगाता, सर्दियों में मॉइस्चराइजर्स यूज़ करता हूँ, कोई भी जेनेरिक जो भी मेरी बहन यूज़ कर रही हो वही कर लेता हूँ, बट सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रोहित गायकवाड़ ने, एक्चुअली फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बोलो भाई। भाई फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स रही नहीं आज तक और गर्लफ्रेंड भी कोई नहीं रही, तो लड़कियों के नाम पे एक भी फ्रेंड नहीं है मेरे पास। बट नहीं ऐसा कोई भी नहीं, अगर होती फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स तो छुपाने में मैं क्यों छुपाऊंगा, डायरेक्टली बोल देता, बट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सचिन फौजदार ने, भाई प्लीज़ फुल डे डाइट प्लान बताओ। यार फुल डे डाइट प्लान क्या बताऊँ मैं, फुल डे डाइट प्लान मैं सिंपल जो मेरा प्रोटीन इंटेक है उसको रखता हूँ 140 ग्राम्स के आसपास, कार्ब्स को रखता हूँ अराउंड 70 ग्राम्स के आसपास, 100 ग्राम से नीचे रखता हूँ क्योंकि मैं अभी लीन मसल मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और प्रोटीन शेक्स मैं ले रहा हूँ, कौन से ले रहा हूँ वो आप लोगों को बाद में बता दूंगा, डेफिनेटली ज़रूर बताऊँगा। हाँ तो फुल डे डाइट प्लान के ऊपर शायद आपको एक वीडियो में ज़रूर बना के दे दूँ, लेकिन इस चैनल पे नहीं, दूसरे चैनल पे, तो उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। और इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो, यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है मेरा, फॉलो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रैपिड फायर क्वेश्चन है, ओके आईफोन और एंड्रॉयड? भाई एंड्रॉयड, बट मैं आईफोन यूज़ करता हूँ, एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ, तो दोनों ही काम चल जाएगा, बट एंड्रॉयड। जे कपूर और धनंजय भोसले फिटनेस बैंड और स्मार्ट वॉच डेफिनेटली स्मार्ट वॉच। नेटफ्लिक्स और अमेजोन वीडियो, यूट्यूब दोनों ही नहीं देखता है मैं, नेटफ्लिक्स और अमेजोन वीडियोस नहीं देखता मैं। पीसी और लैपटॉप, लैपटॉप टेक्निकल गुरुजी और टेक्निकल लव योर वीडियोस, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है इंजॉयमेंट चैनल ने, मैं हमेशा क्वेश्चंस करता हूँ प्लीज पिक कर लेना भाई, सबसे ज्यादा कौन सा फोन यूज करते हो प्लीज बताओ, बाय द वे लव योर वीडियोस। भाई सबसे ज्यादा मैं फोन यूज करता हूँ आईफोन 10 अपना, और इसको मैं डेली यूज करता हूँ, ऑलमोस्ट हर जगह यूज करता हूँ, जिम में यूज करता हूँ, घर में यूज करता हूँ, इवन वॉशरूम्स में भी यूज़ करता हूँ। हाँ थोड़ा डिस्गस्टिंग है, बट हाँ मैं इसको हर जगह यूज़ करता हूँ, सबसे ज़्यादा इसी फ़ोन को यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाजिद मुतवा का, भाई पहले तो मुझे शाउट आउट दे दे, ओके भाई शाउट आउट यहाँ पे वाजिद को, भाई आपका इंट्रो लाइन किससे इंस्पायर्ड है? हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। भाई हिंदी में ऐसा है, मुझे जो पर्सनली लगता है, मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को हर्ट हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना, हिंदी में मुझे लगता है अगर हिंदी में 2 या 3 वर्ड्स बने हुए हैं जिससे हम इंट्रो कर सकते हैं,
और भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो दो या तीन बहुत कॉमन है वो ये है, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। और अगर कोई नमस्ते बोलता है, नमस्कार बोलता है स्टार्टिंग में, तो सबको लगता है कि ये किसी बड़े यूट्यूबर की कॉपी कर रहे हैं या उससे इंस्पायर्ड हैं। बट यार हिंदी में वर्ड्स ही हैं, तो हम किससे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, किस वर्ड से इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। अगर इंग्लिश की बात करें तो हर कोई बोल सकता है हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड, वेलकम टू अनदर वीडियो, तो वो किसी को कॉपी नहीं लगता क्योंकि वो इंग्लिश आ जाती है ना। हिंदी में आते ही के ये तो इंस्पायर्ड है किसी बड़े यूट्यूबर से। तो यार मेरा इंट्रो लाइन ऐसा नहीं है कि किसी से कॉपी या इंस्पायर्ड है। स्टार्टिंग की वीडियोस देखोगे तो ये है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस, जिसमें हे भी हो गया, आप लोगों से नमस्कार भी हो गया और अपना नाम भी बता दिया, तो बस यही है इंट्रो। मनस के माइंड यहाँ पे पूछते हैं व्हेन योर चैनल ग्रो। भाई अभी तक तो ग्रो नहीं हुआ है, नॉर्मल स्पीड पर ही चल रहा है। जैसे ग्रो हो जाता एकदम रैपिड स्पीड पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, क्योंकि ऐसा हैक मुझे कुछ पता नहीं है कि चैनल कैसे ग्रो किया जाता है या कैसे जल्दी से सब्सक्राइबर्स गेन किए जाते हैं। क्या इसके लिए किसी कॉन्ट्रोवर्सी में पढ़ना पड़ता है या फिर नॉर्मल चलते रहो तो चैनल कभी तेज़ी से ग्रो होगा कि नहीं होगा। मेरा मानना तो ये है, काम करते रहो, अच्छा काम कर रहे हो तो धीरे धीरे लोग आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी की वाइम्स का, तो कोई फेक चैनल होगा। क्लिक बात करता है, क्लिक बात करता है, भाई आपका तो चैनल का नाम ही क्लिक बात है, क्लिक बात, क्लिक बेट होता है वैसे, बट कोई नहीं यार, क्लिक बेट कौन नहीं करता, कौन नहीं करता। एनीवेज, तो दोस्तों आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का एक क्यू एन ए वीडियो एपिसोड 32। अगर आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मैंने नहीं दिए तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसी वीडियो के। इस वीडियो को दीजिए एक बड़ा सा लाइक और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो मैं इंस्टेंटली आपका रिप्लाई दे दूंगा या फिर नेक्स्ट क्यू एन ए वीडियो में रिप्लाई दे दूंगा, जो कि होता है हर सैटरडे। आज संडे को हो रहा है बट हर सैटरडे ही हुआ करेगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी को मजा आया होगा। मेरा नाम है प्रिंस, मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो में कल मंडे को सुबह 8:45 AM वीडियो आ जाएगी। दोस्तों मैं मिलता हूँ सभी से एक और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।